क्योंकि मम्मी के सामने आज तक कभी मैंने वीली नहीं मारी है। चलो मम्मी तैयार हो जाओ। पॉप एंड बैंग सुनोगे? एक सेकंड रुको, एक तो आवाज भी नहीं सुनाई देगी। ऑलराइट ब्यूटी फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कास्ट। तो आज जो हम कराने जा रहे हैं बाइक पे, मम्मी के साथ राइड हो रही है गाइस। मम्मी अभी जस्ट यूनिवर्सिटी से आई हैं, एक काम है, तो हम लोग थोड़ा बीच रोड तक जाना है। वहाँ से मैं अपने काम में, मम्मी वापस घर। अरे मम्मी तो यार जुप करके जुप निकल गई, हमारा तो अभी कोल्ड ही स्टार्ट हो रहा है। गाड़ी गंदी भी हो गई इतने दिन से रखे रखे, तो इसको वॉश भी बेशक कराएंगे। गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है। अब मम्मी के साथ चलते हैं, फिर उसके बाद डलवा लेंगे। तो आज जो इस वीडियो बनाने का मकसद है वो है कि अब बस हम ये कल निकल रहे हैं ट्रिप पे, तो इस बाइक में हमको लगानी है लाइट, तो ताकि रात का थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस हो, हमको सारी चीज़ें अच्छे से दिखे। तो इसमें मिनी फॉग लाइट वगैरह लगवाना है, चेक करना है क्या कैसा है। तो सनी भैया के यहाँ जा रहे हैं, तो वो चीज़ हम करवाएंगे। और एक और आज वीडियो मस्त सी शूट होगी, वो भी आपको इसके पहले तो देखने को मिल गई होगी, जो थी हमारी बैकपैक। मम्मी तो एकदम भाग गई यार। ये वाह यार वाह। तो मम्मी के साथ थोड़ा बैंक तक चलना था, फिर बैंक के बाद हम निकलेंगे सनी भैया के यहाँ। तो अगर अपन मम्मी के बाजू में व्हीली मारे और मम्मी का रिएक्शन ले तो कैसा रहेगा? अब तेज तो चल नहीं सकते यार, मम्मी के साथ ही चलना है, तो धीरे धीरे ही चलते हैं। चलो, मम्मी पूछ रही है पेन है बैग में, अब इनको कौन बताए। कार्तिक विशाल जो कि डिजिटल साइन करते हैं, और सिर्फ पेन उठाते हैं तो ऑटोग्राफ देने के लिए और चेक में साइन करने के लिए, तीसरे अपन पेन ज़्यादा रखते नहीं हैं। नेहरू जी ने कहा था हर विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट, हर एक नौजवान के पास। हाँ हाँ ले लेते हैं चलो। और ये बॉयज लोग अपन को देखते हुए, और मम्मी की अपन टाइट सिक्योरिटी करते हुए। ऑलराइट गाइस, वैसे मेरा मन तो नहीं है व्हीली मारने का, क्योंकि मम्मी के सामने आज तक कभी मैंने व्हीली नहीं मारी है, तो एक बार मम्मी का रिएक्शन लिया ही जाए। बट रिएक्शन आपको दिखाऊंगा कैसे? कोई नहीं, व्हीली मार के निकलेंगे, फिर मम्मी से अपन रिएक्शन पूछ लेंगे, क्या बोलते हो? इज इट सेफ? यस। चलो मम्मी तैयार हो जाओ। भाई डर लग रहा है, मम्मी क्या बोलेगी। रुकते हैं मम्मी के लिए, बहुत डांट पड़ेगी बता रहा हूँ ये। अरे मम्मी भगा रही है भाई। अंडरपास, बूम बूम। फिर कैसा लग रहा था? गाड़ी गई थी बाजू से उछक के, डरे थे। अब हम लिए नहीं पेन, वो नहीं दे दे। चलो ठीक है, आते हैं फिर। ओके, तो जो हमारा काम था काम हो गया है। मम्मी गॉन, मम्मी तो बड़ा मुस्कुरा रही थी क्योंकि उनको पता चल गया कि मैंने कैमरा ऑन कर लिया। नहीं तो बहुत ही बोलती।
भाई कैसे हो? Going to सनी भैया's office, the bike store. Check करते हैं भाई उजाला करने के लिए क्या क्या accessories लग जाएगी Z900 में. रिएक्शन तो देखने लायक रहता है यार. मैंने बताया ये माइक को थोड़ा सेट किया है इसमें फोम, तो जब से फोम लगाया हूँ ना धीरे बोल रहा हूँ तो सही है, पर जब अंदर एंड्रेलिन घुस जाता है और मतलब ऐसा तेज बोलता हूँ ना तो फरफर आवाज आ रही है, तो मेरे को बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा कि मैं धीरे धीरे बोलूँ. चचा चचा अभी तो उड़ जाते. डरा तो नहीं दिया बल्लू भाई? ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके हैं बाइक स्टोर और काम हमारा हो गया है स्टार्ट. मिनी HIG लाइट का भाई कर रहे हैं. भाई भी वैष्णो देवी गए हुए थे, अभी आ गए हैं, तो अच्छा है. देखो अब रात की विजिबिलिटी ताकि अच्छी हो जाए और देखते हैं इसमें Z900 में. सनी भैया बता ही रहे थे लगभग पोजीशन अच्छी दी है लगाने की, तो यहाँ यहाँ हम लगाने की सोच रहे हैं जिसमें डुअल लाइट रहती है. कौन कौन सी लाइट है वो सारी चीज़ वीडियो के लास्ट में आपको अभी बता देते हैं. गाइस तो अभी हम लोग ये लगा रहे हैं मिनी ड्राइविंग लाइट HJG, तो बहुत सटीक रहता है यार इसका थ्रो, तो सामने वाले को भी अच्छा दिख जाता है. इसमें भी दो कलर रहते हैं वाइट और येलो, जो कि बहुत अच्छा हाईवे विजिबिलिटी अच्छी रहती है. तो ये है अभी पेटी पैक, इससे अभी हमारा निकल चुका है जो कि लग रहा है बाइक पे वहाँ पे. तो सनी भैया के यहाँ तो लगभग फिलहाल सारी चीज़ें हैं, सारी मतलब छोटी बाइक से लेके फुल सिस्टम, एग्जॉस्ट, हेलमेट, सारी लीवर गार्ड्स वगैरह. तो अगर आपको भी चाहिए तो आप सनी भैया के यहाँ आ सकते हो जबलपुर में बाइक स्टोर में, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. तो बस ट्रिप हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो उसी की तैयारी चल रही है. आज हो गई है 2 तारीख, कल छोड़ परसों हमको निकलना है. तो लाइट सेटअप हो जाएगा, टेल टाइडी का वेट है. टेल टाइडी मैंने इलाहाबाद के एड्रेस में, नहीं तो कनिष्क भाई के एड्रेस पे मंगा लिया हूँ उत्तराखंड में, कि भाई के पास आएगी तो वो लेता आएगा लखनऊ, या तो फिर मैं ही उत्तराखंड जाऊँगा. और क्या, बाकी सब तो बढ़िया है. तो काफ़ी मज़े आने वाले हैं इस ट्रिप पे. पहली बार Z900 की लॉन्ग ट्रिप होगा, क्या एक्सपीरियंस रहेगा, क्या सारी चीज़ें हैं, तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा. और शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हम निकल चुके होंगे, तो मेक श्योर हम मिलते हैं फटाफट. बग इंस्टॉल हो ही चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, ऐसा लग भी नहीं रहा कि कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है. सामने से एकदम हेड के पास से ही निकली हुई है, तो अभी रात में तो चला के आपको दिखाएंगे. बहुत ही प्यारा स्विच की क्वालिटी आप लोग देखोगे. इसी में डुअल मोड रहता है, एक से येल्लो लाइट, एक से बंद और एक से एकदम वाइट लाइट. गाइस तो फाइनली इंस्टॉल हो गया है. सनी भैया ने बोला ही था कि भाई जब से गाड़ी आई थी HIG के लिए, तो इसमें आपको मैंने सारी चीज़ दिखा दिया था कि इसमें दो मोड है. सनी भैया बताएंगे कौन कौन से मोड है इसमें. तो यार इसमें ना सबसे पहली चीज़ आपको कभी भी फॉग ज़्यादा रहे, मतलब हाईवे पे जब ठंड रहे और फॉग रहे तो येलो लाइट का यूज़ करो, बिल्कुल, क्योंकि आपको एकदम मतलब फॉग क्लीन कर देगी. और अगर गर्मी के टाइम में आप सीजन में चल रहे हो और नाइट विजन एकदम सुबह के जैसा चाहिए तो व्हाइट लाइट लेके चलो, व्हाइट लाइट लेके मज़ा ही आ जाएगा. मतलब इतना ब्राइट हो जाएगा ना, मतलब रोड पूरा एकदम. और इससे सामने वाले को भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, आप लिंकी लगाएंगे और एडजस्ट कर इसको, हम अपने हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हाई बीम ना जाए, सामने वाले को भी दिक्कत ना हो. और लाइट इतनी प्यारी है कि वो तो कार्तिक आपको यूज करने के बाद हाई बीम लगाएंगे आने वाले ब्लॉक्स पे. बेसिकली येलो लाइट का अच्छा है कि जो ट्रक रक वाले जो कॉर्नर्स रहते हैं, कॉर्नर में सामने वाली गाड़ी को पता चल जाता है पीली लाइट देख के कि सामने से कोई आ रहा है, तो ये येलो लाइट काफ़ी अच्छी लगती है. आप देख भी रहे होगे, तो अगर इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सनी भैया के
चैनल को भी सब्सक्राइब करना, इवन बाइकर स्टोर आप नीचे इंस्टाग्राम पेज भी दे दूंगा, वो भी जरूर फॉलो कर लेना। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया, मस्त एकदम जबलपुर, जबलपुर में बाइक्स का कल्चर देखना आगे और भी, अभी मतलब अभी तो ये स्टार्टिंग है, कुछ समय बाद आप देखना बाइक का जो कल्चर रहेगा ना वो जबलपुर के अंदर, छोड़ो जबलपुर मतलब इंडिया में फेमस हो जाएगा। तो अगर प्राइस की बात करें तो सनी भैया किस प्राइस पे आ जाएगा, मतलब मेजरली सारी बाइक्स पे फिट हो जाते हैं? तो अगर इसको हम इसका प्राइस लेते हैं तो 2800 की लाइट पड़ती है और 450 रुपए का 450 का ये आपको स्विच पड़ता है और 200 रुपीस इसकी लेबर आती है, तो लगभग ये 3500 के आसपास जाता है फिटिंग के साथ, लेकिन चीज बहुत अच्छी है, यूज करके देखो पता चलेगा, मजा आएगा। मैं यूज करूंगा तो बताऊंगा, और ये तो मेरे ख्याल से पूरा सारी बाइक्स को, बाइक्स स्कूटी सब में लग जाएगा। क्वालिटी, अगर क्वालिटी चाहिए ना तो इसको लगाओ, आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई पैसा दिया है तो कुछ काम मिला है और कुछ मजा आया है, मतलब और वायर भी कट नहीं होगी ना, वायर भी इसमें कट नहीं होती आपकी, क्योंकि मेरे 2 महीने ही हुए हैं इस बाइक को, मेरे तो हार्ट फेल हो रहा था, पर भैया वाले वायर कट ही नहीं होता, अगर कट ही नहीं होती इसमें ऑलरेडी मतलब पूरा सब दिया रहता है तो सब कुछ एक बार में फिट हो जाता है, और कुछ भी वायर इसमें कहीं भी कुछ कट नहीं होती, आपकी वारंटी जो है वो वॉइड नहीं होगी, अवॉइड नहीं होगी। चलो ठीक है गाइस, चलो मोटो व्लॉग करते हैं। ऑल गाइस, तो चलो अंधेरा हो गया है तो अब इसकी लाइट जरा देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये देखो व्हाइट, अभी हेडलाइट मैंने चालू नहीं किया, फिर भी देख रहा हो क्या थ्रो है, अभी तो जब चलाएंगे तब पता चलेगा। और ये है येलो बीम, ओ भाई साहब अलग ही रोला मचने वाला है। तो ठीक है सनी भैया, चलो चलते हैं, मिलते हैं। ओके भैया, ओके भाई, मिलते हैं। ये अपर बीम आ रहा है ना, अब अपन ने चालू किया ये लाइट, ओ वेंचू रोशनी रोशनी भाई, ये पूरी रोशनी। अब एक नीचे, ओ भाई साहब देखो पॉप एंड बैंग सुनोगे, देखो रहा चैट पॉट जैसी कम आरपीएम में आती है ना, फाट फोट फोर्ट। और क्या ही चाहिए, अब ऐसे भी गर्मी आ गई है तो भाई रात में राइड होगी। फोर्ट। तो भाई जब लाइट ऑन कर ली जाए तो अब जलाते हैं हम येलो लाइट, तो ये कुछ इस तरह से येलो बीम है, अभी वो सेट नहीं है, वो ऊपर जा रही है, वो मैं भी वहाँ ध्यान से देखा नहीं, बाकी ऐसे किसी के सामने तो आप देख रहे हो, बाकी वो घर जाके हम सेट कर देंगे। तो बहुत ही तगड़ा थो जा रहा है, देख रहे हो सामने कार में है ना, इसी को हमने वाइट किया। पूरा रोड एकदम चनाचन, पुलिस चलने तो धीरे धीरे, क्लच ऑलवेज वर्क, जान दो धीरे धीरे, वेरी गुड। भूख लगी, ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अभी हम लोग जैसे अभी मैं डोसा खाने आ गया था क्योंकि घर पहुंच रहे थे, घर में अभी कोई है नहीं, अभी सब लोग बाहर गए हुए, तो हमारे साथ हमारे स्कूल के मित्र मिले हैं भाई, जानोगे ये हमारे भाई आयुष नाथ। हेलो, कैसे हो भाई? सब बढ़िया भाई, बढ़िया। लगभग हम लोग मिल रहे हैं तकरीबन 8-8 साल हो गया, नहीं 2000 आठ साल 9 साल हो गए हम लोग को, क्योंकि 2016 में मेरा 12th पास आउट था, मैं 10th छोड़ दिया था, हम लोग सेम स्कूल में थे, केवी स्कूल केंद्रीय विद्यालय। तो भाई आज मिल गया मेरे को सामने से, बहुत कम ही लोग हैं जिनसे मैं मिल पाया हूँ, बाकी अभिलाष वगैरह भी मेरे को नहीं मिले, बहुत टाइम हो गया। दिल्ली में, दिल्ली। अच्छा वो बाहर ही है? बाहर है। तो काफ़ी सारे लोग हैं और भी हमारे जो क्लासमेट है, अगर आप लोग देख रहे हो तो भाई मिलो यार, हमको भी रियूनियन करना है, बढ़िया। तो काफ़ी मज़ा आया भाई, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाई हाँ ये बंदे को फॉलो करो, इससे मतलब इंस्पिरेशन, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। अरे बस, ये बस, वीडियो बनाता है ना, अपने आइडियाज लगाता है, मतलब अरे बस बस साफ दिखता है। बस मैंने 500 रुपये दिया था भाई को। चलो ठीक है, इन्जॉय करते हैं। तो गाइज ये है अभी हमारी नॉर्मल लाइट, अब हमने डाला ये अपर लाइट, ठीक है, अब हमने चालू किया ये, देख रहे हो ये एक लाइट जो हमारी वाइट है पूरा ही कवर कर रहा है, और ये कि येलो फॉग लाइट
जो कि अभी ये ऊपर दिखा रहा है, इसको भी हम सेट कर देंगे। फिर भी देख रहे हो कितना अच्छा थ्रो है, पूरी दीवार पीली पीली। तो अब रात में तो भाई सब सेट। अब इसको भी ऑन कर दिया, अपर भी ऑन कर दिया, चला हुआ अच्छे से रात में। और गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। तो अपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मजा आया। तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छी लाइट है, आप कोई भी अपनी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो, बाइक स्टोर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इवन आपके घर में भी शिप हो जाएगा और बहुत सारी चीजें। तो मेन मकसद ये है बनाने का कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आज 4 तारीख को सुबह 10 बजे तो हम लोग निकल चुके हैं। तो जिनको भी हमसे मिलना है रीवा में, मैयर में और कटनी वगैरह में, तो शायद अब तक हम कटनी क्रॉस कर गए होंगे। तो जरूर जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, वहां सारी अपडेट है, सारी स्टोरी मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ रुकना है। तो मेक श्योर, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। बाकी क्या, बाकी सब तो बढ़िया है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, मजे आएंगे। ट्रेवल व्लॉग्स इज स्टार्टेड। तो दिस इज मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ। बहुत तेज अंगड़ाई है।